हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पिछली वीडियोस देख लीजिए, मैंने उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आज का टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो दोस्तों, आज का पहला टॉपिक है क्रिटिकल एंगल। सो दोस्तों, क्रिटिकल एंगल होता क्या है? दोस्तों, जब मैं आपको इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको इसका यूज़ अच्छे से समझ आ जाएगा और इसका मीन्स प्रैक्टिकल मीनिंग आपको पता चल जाएगा। सो दोस्तों, क्रिटिकल एंगल होता क्या है? इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम करस्पॉन्डिंग टू विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज़ 90 डिग्री। दोस्तों देखिए, अब इसमें हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। दोस्तों देखिए, अब जैसे कि मैंने ये बाउंड्री ली है जो दो मीडियम को डिवाइड कर रही है, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। मींस आप इसमें ये कह सकते हैं ये एक डेंसर मीडियम है और ये एक रेयरर मीडियम है। सो दोस्तों, ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करा। सो दोस्तों, हमने जिस तरीके से डेंसर मीडियम से इंसिडेंट कराई रे ऑफ लाइट, तो आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था आफ्टर रिफ्रैक्शन जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर मूव करती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट हो जाती है। तो ये उसको फॉलो करते हुए इस तरीके से कुछ डेविएट हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको ये रफ़ फिगर बता रहा हूँ, अगर आप बुक्स हैगी आपके पास तो आप बुक्स में देखिए, आपको बुक्स में क्लियर डाइग्राम दिखेगा। सो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है। और दोस्तों ये हैगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हैगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो दोस्तों, जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस तरीके से रखें कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, मींस हम आर की कुछ वैल्यू डिसाइड कर दें जिसकी वजह से जो आर की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री हो जाए। सो देखिए दोस्तों, ये हमने नॉर्मल बनाया था, ये लाइट रे गई तो अगर वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो मींस लाइट को इस पाथ को फॉलो करना होगा। मींस जो बाउंड्री है जो दो मीडियम को डिवाइड कर रही है सेम उसी पाथ पे ही कॉन्साइड होते हुए जाना चाहिए था। सो दोस्तों, ये एंगल कितना बनाएगी नॉर्मल के साथ? 90 डिग्री का। सो दोस्तों, वो इंसिडेंस एंगल मींस ये इंसिडेंस एंगल कौन सा होगा जिस पे ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से मूव करेगी? तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। मींस यही है क्रिटिकल एंगल। मीन्स क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसकी वजह से जब लाइट डेंसर टू रेयरर मूव करती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। सो दोस्तों, जिस एंगल पे ये चीज़ होती है उस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। सो दोस्तों, आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम में जिसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयरर मीडियम में 90 डिग्री हो जाए। इसको हम सी से डिनोट करते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम देखते हैं क्रिटिकल एंगल किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो दोस्तों, पहला है कलर ऑफ द लाइट। दोस्तों वैसे देखा जाए तो क्रिटिकल एंगल डिपेंड होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, बट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर कलर की लाइट का अलग अलग होता है। तो इसलिए लाइट अगर जो मतलब लाइट का कलर है वो अगर हम चेंज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज होगी, सो क्रिटिकल एंगल भी चेंज होगा। इसी तरीके से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, सो टेम्परेचर चेंज करने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज होगी, सो क्रिटिकल एंगल की भी वैल्यू चेंज होगी। क्योंकि दोस्तों क्रिटिकल एंगल एक एंगल है, मीन्स एक लाइट कितना बेंट हो रही है ये उस चीज़ का एंगल है। तो मैंने आपको बताया था कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको अपन एन सी या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन्स क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है। सो दोस्तों, अब हम एक डायग्राम देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया था जिस तरीके से। सो दोस्तों, इस तरीके से रे ऑफ लाइट आई और इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो गई और ये 90 डिग्री का एंगल बनाने लगी। और ये जो अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, ये क्रिटिकल एंगल है जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दोस्तों, अगर हम इस ये डेंसर मीडियम है और ये एक रेयरर मीडियम है, और अगर हम इस फिनोमेने पे स्नेल्स लॉ लगाएं, स्नेल्स लॉ मतलब सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन,
सो दोस्तों सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो दोस्तों अगर हम इसी डायग्राम पे रिफ्रैक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द डेंसर मीडियम इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। क्योंकि इसको इस तरीके से क्यों लिखा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द डेंसर मीडियम, क्योंकि रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो हम रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे डेंसर के रिस्पेक्ट में। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आई सी है, मीन्स एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल है, और जो आर है वो 90 डिग्री है। सो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा जो साइन 90 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं म्यू डी म्यू आर इक्वल टू साइन सी। सो दोस्तों अगर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और बताई थी कि अगर इस तरीके से लिखा है 1 एंड 2, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 एंड 1, मीन्स ये इंटरचेंज होने पे ये रेसिप्रोकल हो जाता है। सो दोस्तों इस इक्वेशन में हमने दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया। सो दोस्तों इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये आ गया आर म्यू डी और ये हो गया 1/sin c। सो दोस्तों यही होता है बेसिकली रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेयरर मीडियम को, डी रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसर मीडियम को, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। सो दोस्तों बेसिकली द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आर म्यू डी इज़ इक्वल्स टू 1/sin c। दोस्तों यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आपको जिसमें सही लगे आप उसमें इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने से पहले अब हम ये देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, मीन्स जब लाइट है डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम मूव करती है डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पे तो क्या फिनोमेनास अकर होते हैं वो देखते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन द डेंसर मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस सेपरेटिंग द रेयरर मीडियम, मीन्स जब भी लाइट डेंसर टू रेयरर पास होती है सो इट इज़ पार्टली रिफ्लेक्टेड एंड सम पार्ट इज़ पार्टली रिफ्रैक्टेड, मीन्स कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट हो जाता है रेयरर मीडियम में। दोस्तों रिफ्रैक्टेड रे बेंट क्यों जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि रे ऑफ लाइट मूव कर रही है डेंसर टू रेयरर। सो इससे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी फुलफिल कर रही है। सो दोस्तों पहला केस देखते हैं। देखिए दोस्तों पहला केस क्या है, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल, मीन्स अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराएं ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो क्रिटिकल एंगल से कम हो तो क्या होगा। दोस्तों तो आप देख सकते हैं कुछ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी सो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। सो द इंसिडेंट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब जो ये इंसिडेंट रे है वो रिफ्रैक्ट जो रिफ्रैक्टेड रे है उसमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। और बेन इट सफर्स रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास टू एयर, देयरफॉर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। दोस्तों इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो छोटा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। इफ़ एंगल आई इज़ इंक्रीज्ड, मीन्स अगर हम ये जो एंगल आई है मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर हम इसकी वैल्यू इंक्रीज करते जाएं और इंक्रीज करते करते हम इसे हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पे पहुंचा दें। सो दोस्तों इस केस में क्या होगा, द एंगल आर रीचेज इट्स हाईएस्ट वैल्यू टू 90 डिग्री, मीन्स ये रिफ्रैक्टेड रे टर्न होके कैसी हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन इस तरीके से मूव करने लगेगी, मीन्स फिर ये कुछ नहीं होगा फिर ये इस तरीके से मूव करने लगेगी। सो दोस्तों ये था पहला केस जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल। अब ये है व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, मीन्स वो केस जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ इसमें कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और दोस्तों अब है हमारा नेक्स्ट केस व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। सो दोस्तों इस केस में क्या होगा, इस केस में कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा, बट जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री फॉर्म करेगी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री एट अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। द रिफ्रैक्टेड रेज अलॉन्ग द ग्लास एयर इंटरफेस एंड इज़ वेरी वीक, मीन्स ये जो ग्लास एयर इंटरफेस है इस पर मूव करते हुए रिफ्रैक्ट होगी। इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फर्दर इंक्रीज बियॉन्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस,
मींस अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएं और क्रिटिकल एंगल के अबव कर दें तो क्या होगा, तो ये OA जो रे है, मींस ये जो आपको दिख रही है OA रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड ऑन मतलब ये फिर ये जो OA रे है सो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद दोस्तों ये फिर टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएगी और कोई भी पार्ट रिफ्रैक्ट नहीं होगा। मींस फिर ऐसा कुछ होगा कि लाइट इस तरीके से और इस तरीके से मूव कर गई, फिर ये रिफ्रैक्शन प्रोसेस होगा ही नहीं, सो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मींस जितनी लाइट हमने इंसिडेंट कराई 100% लाइट और 100% लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया। सो दोस्तों इसी प्रोसेस को कहते हैं टोटली रिफ्लेक्टेड लिखा है वैसे यहाँ, बट इसी प्रोसेस को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो दोस्तों नेक्स्ट केस यही है, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। सो दोस्तों आप देख सकते हैं इस केस में क्या है, इस केस में टोटल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे टोटली रिफ्लेक्ट हो गई सेम मीडियम में सेम एंगल से। सो दोस्तों इन दिस केस द इंसिडेंट रे AO एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, मीन्स जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देन नो रिफ्रैक्टेड रे इज ऑब्टेंड एंड द इंसिडेंट रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड एज OC, मीन्स टोटली लाइट रिफ्लेक्ट हो चुकी है और अब इसमें कोई रिफ्रैक्शन प्रोसेस अकर नहीं हो रहा है। चलिए दोस्तों अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थोड़ा बेसिक से समझते हैं, थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। बेसिकली इट इज़ द फिनोमेना ड्यू टू विच अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन द डेंसर मीडियम, मीन्स वो लाइट जो डेंसर मीडियम में मूव कर रही है इज इंसिडेंट एट द सर्फेस ऑफ द रेयरर मीडियम, मीन्स वो इस तरीके से मूव कर रही है कि उस रेयरर मीडियम के सर्फेस पे इंसिडेंट होती है, सच डेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया, मीन्स ये अलग अलग मीडिया के मीन्स मीडियम के हिसाब से ये अलग अलग एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल होगा। सो दोस्तों मीडियम चेंज करने पे क्रिटिकल एंगल भी चेंज होगा। सो दोस्तों द रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, आप देख सकते हैं कि पूरी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो चुकी है, देर इज़ नो रिफ्रैक्शन, तभी इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो दोस्तों बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोसेस अकर होने के लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये है द लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, मीन्स लाइट को हमेशा डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम ही मूव करना पड़ेगा, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोसेस अकर होगा। अब ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, अब आप समझिए। देखिए दोस्तों मैंने भी आपको बताया था कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर मूव करती है तो मैंने बताया था कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। तो दोस्तों देखिए रे ऑफ लाइट आई और ये नॉर्मल है n n डैश। सो दोस्तों आप देख सकते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जब भी लाइट रेयरर टू डेंसर मूव करती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल में मतलब इस तरीके से डेविएट हो जाएगी। सो दोस्तों ये था रेयरर टू डेंसर जब ये मूव करती है, अभी आप इसे याद रखिएगा दोस्तों। सेकंड हैगा जब लाइट डेंसर टू रेयरर मूव करे, मींस अब लाइट इस तरीके से आई, अब ये रेयरर मीडियम में एंटर कर रही है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरीके से डेविएट हो जाएगी। सो दोस्तों अब हम रे ऑफ लाइट को इस तरीके से मूव करा रहे हैं डेंसर टू रेयरर। सो दोस्तों जब हमें इसे 90 डिग्री फॉर्म करवाना है एंगल, तो मतलब ये जो रिफ्रैक्टेड रे होगी और ये एंगल मीन्स ये ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, तभी तो ये 90 डिग्री फॉर्म कर पाएगा। सो दोस्तों अगर ऐसा होना है तो ये फिक्स होना चाहिए कि ये डेंसर टू रेयरर ही मूव करे, क्योंकि अगर ये रेयरर टू डेंसर मूव करेगी रेयरर टू डेंसर सो तो ये फिर क्या होगा, फिर इस तरीके से मूव करेगी तो ये इसी तरीके से जाएगी, तो ये 90 डिग्री का तो एंगल फॉर्म कर ही नहीं पाई और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से तो बिल्कुल ही अलग है। इसलिए दोस्तों लाइट हमेशा डेंसर टू रेयरर मूव करने चाहिए, जिसकी वजह से क्या है कि ये रेयरर मीडियम है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा और जब हम इसे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट करा देंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोसेस अकर हो जाएगा और नो रिफ्रैक्शन प्रोसेस विल अकर। और दोस्तों पहली कंडीशन के साथ साथ दूसरी कंडीशन ये भी है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल के, मीन्स जिस एंगल पे हम इंसिडेंस करा रहे हैं वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल होना चाहिए। ये प्लेन मिरर है ये चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। दोस्तों ये कंपैरिजन है मतलब बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। सो दोस्तों ये जो ये लिखा है फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड फ्रॉम द प्रिज्म, क्योंकि दोस्तों ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्रिज्म और टोटल और सॉरी
रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, इसके बीच में डिफरेंस है। सो दोस्तों देखते हैं, इट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोसेस तभी अकर होगा जब लाइट रे मूव करेगी डेंसर टू रेयरर, जबकि रिफ्लेक्शन कोई भी एंगल पे हम इसे इंसिडेंट करा दें तो ये प्रोसेस हो जाएगा और ये कोई भी मीडियम में पास करा दें। दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में द एंटायर लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड, मीन्स अगर 100% लाइट इंसिडेंट की गई है तो 100% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और दोस्तों रिफ्लेक्शन प्रोसेस में कुछ ही पार्ट आ पाता है, क्योंकि कुछ पार्ट अब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ ट्रांसमिट हो जाता है, कुछ रिफ्रैक्ट हो जाता है, इसलिए कुछ ही पार्ट रिफ्लेक्ट हो पाता है। सो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी, द एनर्जी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे सेम एज डेट ऑफ इंसिडेंट रे। दोस्तों जो इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे होती है दोनों की एनर्जी सेम होती है, बट इस केस में लॉस हो जाता है एनर्जी का, क्योंकि ट्रांसमिट हो जाती है, कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसलिए एनर्जी का लॉस होता है। दोस्तों टोटल इंटरनल के केस में जो इमेज होती है ब्राइटर बनती है, और जो ब्राइटनेस होती है वो फेड नहीं होती है टाइम के रिस्पेक्ट में। और दोस्तों रिफ्लेक्शन प्रोसेस में जो इमेज होती है वो लेस ब्राइट होती है और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्रेजुअली फेड्स होने लगती है। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, लोगों के साथ शेयर।